हेलो दोस्तों, अगर आप झारखंड से हैं तो आपको पता होगा झारखंड सरकार द्वारा हरा राशन कार्ड जारी किया गया है, जिसके तहत हर महीने आपको राशन नहीं मिलता है। बहुत सारे लाभुक हैं जिनको 2-3 महीने तक राशन नहीं मिलता है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, अगर आपके पास हरा राशन कार्ड है तो आपको हर महीने कैसे राशन मिलेगा, बिल्कुल नया तरीका बताने वाले हैं, पूरा प्रोसेस आपको बताने वाले हैं, इसके रिगार्डिंग क्या अपडेट आया है वो भी चीज़ें आपको बताने वाले हैं, और हरा राशन कार्ड एक्चुअली में क्यों बनाया गया वो भी चीज़ें आपको बिल्कुल विस्तार से बताएंगे। तो लास्ट तक अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको इस तरीके से न्यूज़पेपर पर आर्टिकल आया है, हरा राशन कार्ड धारी को नवंबर का अनाज नहीं मिलने की शिकायत पर खुलासा। यानी कि जो हरा राशन कार्ड धारी उनको नवंबर का अनाज नहीं मिल रहा, उसके लिए रिगार्डिंग जो यहाँ पर शिकायत दर्ज हुआ है, ये क्या शिकायत? रांची में अनाज बांटने में 222 PDS डीलरों ने की गड़बड़ी। यानी कि रांची में जो है अनाज बांटने में 222 जो डीलर है वो जो है यहाँ पर गड़बड़ी किया गया। क्या गड़बड़ी हुआ, उसके रिगार्डिंग क्या अपडेट आया है, सभी चीज़ें बिल्कुल विस्तार से हम लोग जानेंगे। ठीक है, यहाँ पर रांची शहरी क्षेत्र के जन वितरण प्रणाली के दुकानदार राशन वितरण के कोताही बरत रहे हैं। हरा कार्ड का राशन उठाव करने के बाद भी नहीं बांट रहे हैं। नवंबर के राशन वितरण में बड़ी लापरवाही मिली है। इनकी नवंबर का जो राशन वितरण हुआ उसमें बहुत ज़्यादा लापरवाही हुआ है। कई डीलर ने एक भी लाभुक को राशन नहीं दिया है। शहरी क्षेत्र के 222 राशन डीलर को रांची एक विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी मोनी कुमारी ने शो कॉज किया है। सभी को 24 घंटे के अंदर यह बताने को कहा गया है कि राशन वितरण में इतनी बड़ी लापरवाही क्यों की गई है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर सभी को लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे और कानूनी कार्रवाई भी होगी। जानकारी के अनुसार डीलरों को नवंबर के हरे कार्ड का अनाज उपलब्ध कराया गया था। यानी कि नवंबर का जो राशन है वो उनको उपलब्ध करा दिया गया था, लेकिन लाभुकों ने राशन नहीं मिलने की शिकायत तो विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी ने इसकी समीक्षा की। इसमें पता चला कि नवंबर में 138 डीलर ने 21 से 50%, 32 से 10% तक अनाज दिया है। 52 डीलरों ने एक भी लाभुकों को नहीं बांटा। बता दें कि हरा कार्डधारी को हर माह शत प्रतिशत अनाज देना अनिवार्य है। यानी कि देख सकते हैं यहाँ पर बोला जा रहा है कि हरा राशन कार्ड वालों को जो है यहाँ पर हर महीना 100% अनाज देना अनिवार्य है। ठीक है, यानी कि उनको देना होगा, जैसे कि समय पर अनाज वितरण का निर्देश, जैसे कि देख सकते हैं समय पर अनाज वितरण का निर्देश। रांची के विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी मोनी कुमारी ने सभी राशन डीलरों को समय पर अनाज का उठाव और वितरण का करने का निर्देश भी दिया है। उन्होंने कहा है कि समय पर राशन नहीं देने पर बिना किसी कारण के लाभुकों को वापस करने की शिकायत मिलने पर संबंधित डीलर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। समय समय पर औचक निरीक्षण भी किया जाएगा और आवंटित खाद्यान्न और वितरण का मात्रा का मिलान भी किया जाएगा। किसी प्रकार का गड़बड़ी मिलने पर डीलरों को खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर और देख सकते हैं, पवन पदाधिकारी से भी मांगा जवाब। रांची के विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी मोनी कुमारी ने नवम्बर को में हरा राशन कार्डधारी को अनाज नहीं बांटने पर पनन पदाधिकारी को भी शोकज किया है। 24 घंटे के अंदर अपना स्पष्टीकरण समर्पित करने का निर्देश पनन पदाधिकारी को दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर हरा राशन कार्ड क्या है, ये जो योजना है हरा राशन कार्ड शुरू करने का मकसद क्या है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं रांची में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अभी तक राशन कार्ड नहीं मिला है। ठीक है, सरकार ने ऐसे लोगों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने के लिए ग्रीन राशन कार्ड शुरू किया है। हरा राशन कार्ड के लाभुकों को केवल 1 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। सभी को 5 किलो अनाज दिया जाता है। ये योजना क्या है, बहुत सारे लोगों को डाउट था कि हमें हर महीने राशन नहीं मिलता है, तो आप ये पढ़ सकते हैं कि आपको हर महीने राशन दिया जाता है। 1 रुपये प्रति किलो आपको चावल दाल जो भी चीज़ आपको मिलता है वो चीज़ें मिलेगा, और यहाँ पर सभी को 5 किलो अनाज दिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ अपडेट था जो आप सबको आशा करते हैं समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाउट होता है ना कि हरा राशन कार्ड के तहत हमें राशन अभी तक नहीं मिला है या फिर हमें हर महीना राशन नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर, ये वाला पढ़िएगा, डीलरों ने एक भी लाभुकों को नहीं बांटा। ठीक है, बता दें
कि हरा कार्डधारी को हर माह 7% अनाज देना अनिवार्य है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगता, वीडियो को लाइक अभी जरूर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही।